सबसे बड़ी प्रश्न जो पूछा जा रहा था कि अभी तक आप बीजेपी में क्यों हो, तो शुरू से मैंने बताया था कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और अपना काम एंड तक निभाऊंगी। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे बाई इलेक्शन हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व थे, बहुत सारे फंड्स आने थे, और मेरा एमएलए बनने का रीज़न ही ये था कि मैं अपने एरिया के लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को झूठे पर्चों से या ज़मीन ने जो ये अकाली दल की तरफ से जो ज़मीनें दबी जाती हैं और ये सारा जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, सारे पंजाब में करनी पड़ी, पर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं फेस की क्योंकि मैं उनके साथ थी। और सबसे बड़ी बात है कि 60 साल से वहाँ बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी मेरे एरिया में, तो एंड में बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व थे उसके लिए, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वो फंड्स वापस जाएं या मेरे एरिया में बाई इलेक्शन हो, कोई और आए उस फंड्स को मिसयूज़ करे, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम में ज़्यादा फंड्स रिलीज किए गए जिसके लिए बहुत लड़ाई ली, सबको पता है, मोदी साहब के पास गई, ऊपर से फ़ोन करवाए, तब जाके 78 करोड़ रिलीज कराया और उसमें से 45 करोड़ रिलीज किया लास्ट 2-3 मंथ्स में। बाई इलेक्शन हो जाती, कोई और आ जाता अपनी मर्जी से, फिर वो कमीशन बेस सिस्टम से काम करता, फिर वही हाल होती है कि जहाँ पे काम होना चाहिए वहाँ नहीं होता। आज मैं ये श्योरिटी से कह सकती हूँ कि मेरे इलाके में 70-80% काम हो चुका है विकास का, और ठेकेदारों के पास पैसे हैं, अब कोई भी किसी भी तरह की वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। एमएलए में अभी भी हूँ, तो ये मेन रीज़न था बीजेपी में अभी तक रहने का और एमएलए रहने का। सीपीएस बड़ी देर पहले ही हम छूट चुके थे। अब रही पंजाब में बीजेपी छोड़ने की बात, तो शुरू से जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो सोचा कि एक लीडर की डेफिनेशन होती है कि तुम जहां भी कुछ गलत हो उसके लिए अपनी आवाज़ उठाओ और सच के रास्ते पे चलो, लोगों के लिए काम करो। और जब जब प्रॉब्लम्स आई, 6 महीने अभी बीते थे कि सबसे पहला मेरा ड्रग्स पे बयान आया था, तो सुखबीर बादल की तरफ से मुझे ये आया कि आपने तो फिगर्स गलत दे दिए, तो मैंने बोला नहीं, मैंने गूगल से चेक करके दिए हैं और सच में बुरा हाल है। और फिर मैंने पैसे मांगे कि जी इलाका बुरा हाल है, 6 महीने हो गए पैसे नहीं दे रहे आप, तो वही जवाब था, ये पॉलिटिक्स में ऐसे ही चलता है, अभी हो जाएंगे फिर हो जाएगा। तो मुझे लगा कि कोई सुन ही नहीं रहा, तो अपनी पार्टी के पास बहुत गई मैं, ये जो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बार अपनी पार्टी के पास गई कि पूछा कैसे मिलते हैं जी पैसे, कैसे काम होता है, ये गलत काम कर रहे हैं एरिया में, तो मैंने तो रोकना है, आवाज़ उठानी है। तो हमेशा कहा गया नहीं चुप करो, हो जाएगा, चुप करो, अभी पैसे भी मिल जाएंगे, फंड्स भी मिल जाएंगे, कुछ गलत हो रहा है कोई बात नहीं, अलायंस है तो बोलना नहीं। तो फिर जब कार्यकर्ता के साथ धक्के हुए इतने ज़्यादा कि अपना जो कार्यकर्ता है वो सफ़र करे, तो ये लगा कि अरे ये आप लोग चुप क्यों हो, हम अलायंस में हैं, हम कोई ये तो अलायंस में पहले या तो ज्वाइन करने से पहले हमें बताते कि अलायंस का मतलब ये है कि आपने मुंह ही नहीं खोलना, जो कुछ गलत हो रहा है उसको देखते जाओ, उसको सपोर्ट करो, सारे माफिया को सपोर्ट करो, कोई आवाज़ नहीं उठाओ। और जब तुम्हारे ही कार्यकर्ता के ऊपर झूठे केस पड़े या उनको तंग करें किसी भी कारण के लिए, तो तब भी तुम चुप रहो, तुमने अपनी आवाज़ नहीं उठानी। और फिर सबसे बड़ी बात, जब 99% कार्यकर्ता ने हर मीटिंग में बोला कि हमें अकाली दल तंग करता है, तो कोई सुनने वाला ही नहीं था, तो क्या पॉलिटिक्स में ये मतलब है, अलायंस का ये मतलब है कि जो हम स्टेज पे बोलते हैं खड़े होके कि हम देश को प्रेम करते हैं जी, हम पंजाब को बहुत आगे लेके जाएंगे, हमने ये कर दिया, हमने ये डेवलपमेंट कर दी, हम बहुत अच्छा सिस्टम देंगे, गुड गवर्नेंस दे रही हैं जी, बेस्ट। तो जब 99% बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम खुद तो हमें लग रहा है कि ऑपोजिशन में है, तो सुनने वाला कोई नहीं है। तो जो बड़े बड़े घपले करते हैं, तो आपस में ही बीजेपी के जो लीडर्स हैं एक दूसरे को खिंचा तानी, उसके घर को इतनी ग्रुपिज्म, और जब ये ग्रुपिज्म के बारे में किसी से बात करो, यहाँ बात नहीं करो, ऊपर बात करो, ऊपर बात करके आओ तो फिर वही ग्राउंड लेवल पे, जी ये फलाना बंदा बहुत ज़्यादा घपले कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसके कारण पार्टी की इमेज खराब हो रही है, देख लेंगे। तो ये आपस में ही लोग गए जो मिनिस्टर्स के लिए शिकायतें लेके गए कि ये बीजेपी के इमेज को खराब कर रहे हैं, पर सुनने वाला कौन है? तो हमारे जैसे लोग एक मेडिसिन छोड़ के जो कि इस लाइन में नहीं है, तो इसलिए तो नहीं आए कि ये सारा कुछ देखें, माफिया राज देखें और चुप रहें।
और उल्टा स्टेजों पे चढ़ के इन लोगों को सपोर्ट करें। तो क्या बीजेपी को पहले डिफाइन करना चाहिए था कि तब बीजेपी ज्वाइन करो, कि वहां जाके जो भी कुछ बुरा देखोगे, जो भी घपले माफिया राज देखोगे, आपने चुप रहना, बस यही कहना है स्टेज पे चढ़ के कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आपको एक पर्चा दे देते हैं डेवलपमेंट का एंड में, कि आपने वही रटा रटा पढ़ना है, देश के नारे लगाने हैं, कहना है जी हमने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा डेवलपमेंट एजेंडा किया, और पीछे से सारे घपलों के ऊपर चद्दर फेरो और खुद इस सिस्टम का हिस्सा बन जाओ तो कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते हमारे जैसे लोग, इनको तो खुश होना चाहिए था कि एक ईमानदार बंदा, इनको ईमानदार एमएलए मिल रहा है जो अच्छा काम कर रहा है, तो इसकी सजा ये कि उसको कहा जाए कि नहीं नहीं बहुत बोलते हो तुम, चुप रहो। अरे चुप क्यों रहो, लोगों के लिए आवाज ही नहीं उठानी तो तुम पॉलिटिक्स में होने का कोई फायदा नहीं है। नवजोत के साथ हुआ और बात थी, अभी तक वो प्रोजेक्ट हवा में है। मेरी लड़ाई फिर हुई, शुरू हुई कि जरूरी काम है, आप अमृतसर गेट एंटर करते हो, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि 7 करोड़ 4 साल हो गए गेट बन रहा है, उसकी जगह मेरा इलाका है, उसमें सीवरेज नहीं है, सड़कें नहीं है, तो क्या एज एमएलए ये डिस्कस करना भी मतलब तुम्हारे के लिए सुनने के लिए कोई भी नहीं है, या डिस्कस करना भी पाप है कि तुम एरिया को पहले डेवलप करो फिर बड़ी चीजें लेके आओ। जब तुम बात कर रहे हो कि बीआरटीएस फेलियर होगा बस स्टैंड को जब तक बाहर शिफ्ट नहीं करते, क्यों शहर को एंड में इतना लोगों को तंग कर रहे हो, सर्विस लेन कहाँ है, पेड़ कहाँ गए जो काटे, टाइलें लगी जा रही हैं, लोग तंग हो रहे हैं, तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर उसमें रहने का फायदा क्या। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है लोगों से, मैंने अपने रीजन बताया कि छोड़ के भागने वालों से मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने 5 साल बोला था मैं आपके साथ रहूंगी, आपके साथ स्टैंड करूंगी, डेवलपमेंट करूंगी, और आज तक जब से मैं एमएलए बनी हूं मेरी एरिया में डेवलपमेंट होती रही, चाहे मैंने लड़के ली, फिर भी जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो रोके वो भी इनके कारण रुके। इन्होंने कहा मेरा वल्ला का जो अंडरपुल है वो रुका है, ऊपर से नहीं रुका, इन्होंने रोका। तो 18 करोड़ का पास है वल्ला का, इन्होंने रोका। जोड़ा फाटक का पास है, इन्होंने रोका। क्यों रोका, कि 100 मीटर की लैंडिंग कम है। तो तुम सार्क का लेके आए 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट, क्यों, क्योंकि एमओयू नहीं साइन करना। तो अगर सीरियसनेस है ही नहीं कि तुमने पंजाब के प्रति सेवा करनी है या अच्छे लोगों की बात सुननी है, तो फिर ऐसी अलायंस में रहने का फायदा क्या। तो अभी तक क्योंकि बीजेपी में थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि इनके खिलाफ कोई बात करूं, पर बीजेपी छोड़ने का रीजन ये है, और ये जो अच्छे लोग मेरे जैसे जो सोचते हैं कि पंजाब में बीजेपी में आएंगे तो वो ये सोच के चलें कि उनको अकाली दल के नीचे रह के चलना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ भी बोलना अलाउड नहीं है, सिर्फ उनके नारे लगाने पड़ेंगे, जयकारा बोलना पड़ेगा उनका, और जो कुछ भी हो घपले जितने मर्जी करो पर अच्छे के लिए आवाज नहीं उठा सकोगे। जैसे आपने समस्याएं बताई कि दोनों में ये बात है, तो क्या यही कारण है कि आपने जो इस्तीफा दिया रेजिग्नेशन, उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी, बाकी ये चीजें कोई भी नहीं कि आप उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों आप इस्तीफा दे रहे हैं? जी रीजन मुझे पता ही था कि हमेशा जैसे होता है कि तुम जब अपना इस्तीफा देते हो उसके बाद प्रेस तुम्हें एड्रेस करती है, तो जरूरी होता है कि सबको तुम एक ही चीज लिख के दो ताकि उसको गलत गलत एक एक लाइन कोई और ना दे। और ये पार्टी को ऊपर लेवल तक ये नहीं हुआ कि मैं सारा टाइम दिल्ली जाती रही हूँ, सबको बताती रही हूँ, मीटिंग्स भी हुई, उसमें 99% कार्यकर्ता सहमत थे इस बात से कि हमें लाइन्स में नहीं रहना चाहिए, फिर क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते। और मेरा एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि मुझे गगनेजा जी हैं जो हमारे संगठन संभालते थे पंजाब का, मेरे बहुत क्लोज थे, और मुझे श्योर करके रखा हुआ था कि आपने नहीं छोड़नी पार्टी, मैं आपके साथ हूँ, ये जो गलत लोग हैं इनको आगे जाके किसी को भी बीजेपी को लीड करने नहीं दिया जाएगा। और वह हमेशा कहते थे एंड तक, अब तो वो नहीं रहे पर वो एंड तक कहते थे कि किसी भी हालत में हम अकाली दल के साथ नहीं लड़ेंगे। मैम आप ऑन रिकॉर्ड कहते रहे हो कि मैं मोदी जी की सिपाही हूँ और मोदी जी के लिए कभी भी पार्टी नहीं छोड़ूंगी, आपने ये ऑन रिकॉर्ड बातें कही हैं, पर अब मोदी जी कहाँ चले गए? मैंने हमेशा कहा है कि मैं मोदी जी की इज्जत करती हूँ, शायद मोदी जी के कारण बीजेपी में हूँ। 4 साल से मैं कह रही हूँ कि मैं अकाली दल का, जब से मैंने देखा मैं फर्स्ट वन थी जब से सरकार में आई हूँ, कि अगर ये अलायंस में रहे तो मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि अलायंस का मैंने सारा मीनिंग समझा दिया। पंजाब में अलायंस का मतलब है कि तुम्हारी अपनी कोई जुबान नहीं है, तुम्हारी अपना कोई कैरेक्टर नहीं है,
तुम घपले दो जितने मर्जी करो, पर ईमानदारी से काम करो। तुम अपनी आवाज किसी भी माफिया के अगेंस्ट, किसी भी सोशल ईवल के अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकते। देखो मुझे, मेरा खतरे का तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मैंने एक ही दिन मरना है जिस दिन भगवान मुझे मारेगा। मैंने रोज नहीं, मैंने रोज नहीं मरना। गुंडेजा की हत्या में किसी का हाथ है, किसी पार्टी का या किसी अलायंस का या किसी का हाथ? मैं कोई सीबीआई एजेंसी तो है नहीं कि मैं बात करूं, पर गगनेजा जी का एंड तक यही था, 100% यही था कि जब तक मैं हूं इनके साथ, अकाली दल के मैं टोटली अगेंस्ट थे और हमेशा कहते थे कि मैं ऊपर पार्टी को फोर्स करूंगा इस बात के लिए कि हम इनके साथ अलायंस में नहीं रहे। और बीजेपी के भी जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, जो गलत काम करते हैं, जो जिनका जो मेरिट पे नहीं है, उनको भी सीट नहीं दी जाएगी। और वो उनके मुंह के वर्ड्स थे। क्या ये उनकी हत्या का यही कारण बना है गगनेजा की मौत? अब मुझे वो हत्या का कारण तो नहीं है, ये तो जो इन्वेस्टिगेट करेगा वो तो मुझे नहीं पता। वो जो आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एजेंट दैट आई कैन टेल दैट। अब आपका अगली रणनीति क्या है? देखो अभी अगली रणनीति तो मैंने बताई नहीं आप लोगों को, था कि आपने छोड़ क्यों नहीं रहे, ये उसका जवाब है। क्योंकि सारा पंजाब पूछ रहा था कि मैडम सिद्धू को क्या ऐसी मजबूरी है कि छोड़ नहीं रही। वो मजबूरी बतानी जरूरी थी, और इनके साथ लोग कह रहे थे ये उनकी बी टीम है, उनके लिए काम कर रही है, इसलिए बताना जरूरत थी कि मैं इनके साथ नहीं हूं क्योंकि ये अकाली दल के साथ हैं। आज तक ऑन रिकॉर्ड मैं किसी के पास नहीं गई, क्योंकि मैंने पहले बोला था मैं बीजेपी से इस्तीफा दूंगी, फिर किसी पार्टी से बात करूंगी। मेरे पास ऑफर्स आई आम आदमी पार्टी की तरफ से 6 महीने पहले, उनको भी मैंने यही जवाब दिया था कि मैं जब तक बीजेपी में हूँ, अपने इलाके का काम कर रही हूँ, तब तक मैं कोई बात नहीं करूंगी। अब आपका फैसला कांग्रेस में जाने का है या आम आदमी, एक मिनट यार, आम आदमी पार्टी में जाने का है? यू मस्ट बी क्लियर योर फ्यूचर। जब तक मैंने आज आपको बोला है कि मैं उनमें से नहीं हूं, जैसे सिद्धू था वैसे ही मैं हूं, कि पहले रिजाइन करते हैं उसके बाद किसी से बात करते हैं। ऑन रिकॉर्ड अमरिंदर सिंह या किसी से पूछ लो कि मैडम सिद्धू आपको मिले टिकट के लिए, या दूसरी पार्टी से पूछ लो कि मैडम सिद्धू ने आपसे कोई मीटिंग की, तो जब मेरी बात ही किसी से नहीं हुई तो मैं आपको फ्यूचर कैसे बताऊं? मैं किसी से मिलूंगी, बात करूंगी तो इरादा बताऊंगी। अभी तो बीजेपी छोड़ी है, अभी मैं कैसे कह दूं? आवाज़े पंजाब का हिस्सा है, कांग्रेस के साथ बातचीत हो रही है। मैं आवाज़े, मैंने आज तक आवाज़े पंजाब की आपको पहले भी कहा है, क्योंकि मैं बीजेपी में थी, मैंने आवाज़े पंजाब की मीटिंग नहीं अटेंड की। अब जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, पूछूंगी कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। आपको पहले भी पता है कि मैं उनमें नहीं बैठी थी। मैं आज के बाद, बीजेपी से रिजाइन करने के बाद, सबको मिलूंगी और आने वाले समय में बता दूंगी कि मैं कहां जाऊंगी। देखो उनका आपको उनसे पूछना पड़ेगा। मैं आपका इंडिविजुअल स्टैंड रहेगा कि यहाँ जिस तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जाएंगे आप उस तरफ जाएंगे? नहीं, मेरा इंडिविजुअल स्टैंड होता है। मुझे उन्होंने क्या बोला है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो अपना उनका स्टैंड में तो कह रही हूँ, मैं अभी बैठी नहीं उनमें। पहले वो बताएं कि यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि हम पार्टी नहीं बना रहे, तो जब पार्टी बनाएंगे तो मैं आ जाऊंगी, उसका हिस्सा बनूंगी। अभी तो उनका फ्रंट है जी, दुविधा तो बनी हुई है कि ये जवाब, ये पिक्चर क्लियर क्यों नहीं करते कि आपने कांग्रेस ज्वाइन करनी है या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, ये दुविधा में को रखा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन आप उनसे पूछ रहे हैं, तो आप उनसे बात, तो मैं करूंगी, पर मैंने अभी बात ही नहीं किससे, मैं कैसे कह दूं? बात करने की अलग बात है। मैं बीजेपी से, मैं तो आज, आई हैव नॉट मेड अप माय माइंड, आई टोल्ड यू जब तक मैं बीजेपी में हूँ। आप अमरिंदर सिंह को पूछ लो, आप बाकियों को पूछ लो कि मैं उनको, मैं उनको मिली नहीं, मैं कैसे बोल दूं मैं उनको ज्वाइन करूंगी? आई हैव टू मीट देम, नो व्हाट दे हैव, व्हाट द विजन दे हैव फॉर पंजाब, देन आई विल टेक अ डिसीजन। क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे चाहे पार्टी कोई भी हो?
देखो अभी तक तो मेरा मन है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, पर अगर मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है तो प्लेटफॉर्म ये तो है नहीं कि मैं कह रही हूँ कि मैं लड़ूंगी और मैं बहुत वेलकम हूँ सारी पार्टीज में। सो एक प्लेटफॉर्म अगर मुझे मिलेगा तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी, मुझे लगेगा कि पंजाब का भला है, नहीं तो हो सकता है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं और मैं अपना एक एनजीओ खोल के अपना आगे प्रोसीड करूं। तो अभी तो मुझे, अभी तो मैंने रिजाइन किया है, अभी तो मैंने माइंड ओपन करके, तो अभी मैं सोचूंगी इसके बारे में, पहले डिस्कशन करूंगी फिर बात करूंगी। अभी तक कहीं नहीं गए तो क्या आप हर पार्टी के, भाजपा और अकाली दल को छोड़ के उसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं उनसे आप तालमेल करेंगे क्या पंजाब के भविष्य को लेकर? बिल्कुल करूंगी, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे 3-4 महीने पहले किया था, ऑफर किया था, तो अब बात तो करनी पड़ेगी ना कि अब दोबारा से कि मैं बीजेपी की नहीं हूँ, तो मुझे पहले विजन देखनी पड़ेगी पंजाब के लिए क्या है, अगर उसमें मैं फिट होती हूँ तभी मैं करूंगी, अदरवाइज आई माइट एज वेल ओपन अ एनजीओ एंड ओपन अ मेडिकल सेंटर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कहते रहे हैं कि अकाली दल और कांग्रेस में जो तालमेल है, इनके जो कारोबार हैं वो इकट्ठे हैं, अब आप उनके साथ ही संपर्क साध रही हैं, इसके पीछे क्या है? मैंने आपको बोला मैंने संपर्क साधा ही नहीं है। सिद्धू साहब साध रहे हैं? नहीं, वो हायर बॉडी के साथ बात कर रहे हैं तो मैं उसका भी हिस्सा नहीं हूँ। अब वो और वो भी खुद नहीं गए, उनको बुलाया गया तो वो उनसे क्या बात कर रहे हैं मुझे उसके बारे में पता नहीं है। तो नहीं, वो आपने कहे हैं, आपने बुलाया गया, बातें की हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नवजोत सिंह सिद्धू की राहुल गांधी से दिल्ली में मीटिंग हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि मुझे अभी कुछ अलविदा कहने के बाद लाइक माइंडेड कांग्रेस पार्टी और आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और बीजेपी के जो काउंसलर है वो आपके साथ कितने रिजाइन दे रहे हैं? मैंने किसी से कोई बात नहीं की, मैंने तो अपनी रेजिग्नेशन अकेली की भेजी है। मैंने आपको पहले कहा है मैं गेम्स नहीं खेलती हूँ, मेरी पर्सनल रेजिग्नेशन है, मेरे साथ कौन जाता है कहाँ जाता है पहले उनको भी बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ या जा भी रही हूँ कि नहीं, उसके बाद फाइनल होगा। और पहले नवजोत से बात करना पड़ेगा कि उनका फ्रंट पहले मिल तो लूं, उस फ्रंट के साथ बैठ तो लूं, पूछ तो लूं कि उनकी आगे की नीति क्या है, उसके बाद ही बताऊंगी। कौन सी पार्टी बेहतर है जिसके साथ आप जाना चाहेंगे? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभी मेरे पास उनका कुछ है ही नहीं कि फॉर्मेट क्या है। ये तो वो जवाब दे या नवजोत सिद्धू जवाब दे, मैं उसके बारे में क्या कहूंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा इसलिए छोड़ी है क्योंकि उसको पंजाब की सेवा करनी है, तो आपकी जो भी रणनीति होगी अगली, क्या उसमें आपके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू को भी पंजाब में लाने का जो मुद्दा उसको पहल दी जाएगी कि उनको यहाँ पर लाया जाए किसी तरीके से? मेरा कोई कंसर्न उससे नहीं है, आपको पहले बताया है नवजोत सिद्धू कहता है कि मैं पंजाब के सिवाय कुछ भी और नहीं लूंगा, पंजाब की सेवा अगर मिलती है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं अपना टेलीविजन करूंगा। और वो अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आपको पता है कि उन्होंने पार्टी अपनी फ्रंट इसलिए नहीं की क्योंकि उनको एंटी कंबेंसी वोट्स को डिवाइड नहीं करना था, क्योंकि उनको बोला जा रहा था बीजेपी की पार्टी है ये, बी पार्टी आई गई है अकाली दल को जिताने के लिए, तो इसीलिए बहुत क्लियर करना जरूरी था कि नहीं, वी आर नॉट फ्लोटिंग अ पार्टी, वी विल, माय पीपल विल सपोर्ट, सो आई हैव टू सिट विद द फ्रंट टू नो व्हाट द डिसीजन इज, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर सकती हूँ। अकाली लीडरों ने आपको तंग किया, कौन कौन से अकाली लीडर्स ने आपको तंग किया? नाम बता सकते हैं? अब तो आप फ्री हैं जी। और कौन से बीजेपी के लीडर हैं जिन्होंने आपको तंग किया? और बीजेपी में अगर हम बीजेपी की पंजाब की कमान की बात करें, पहले कमल शर्मा थे, पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पंजाब में भाजपा अकाली दल के कौन से लीडर थे जिन्होंने आपको तंग किया भाई? कौन से बीजेपी लीडर डाला? मैंने अगर मैं नाम लूँ तो शुरू से मेरे लिए तो वो सारे सीएम से लेके सीएम से लेके डिप्टी सीएम से लेके मजिठिया से लेके सारे मंत्रियों को कहूंगी जिन्होंने मेरा काम नहीं किया, इरिगेशन वाला क्योंकि वो केनाल नहीं मेरी बनवाई, पीडब्ल्यूडी वाला क्योंकि मेरा वो पास नहीं किया वल्ला का ओवरब्रिज और जोड़ा फाटक, मेरा काम के साथ कंसर्न है, मेरा पर्सनल तो है नहीं है। अनिल जोशी के साथ इसलिए कि अपने इलाके में धड़ाधड़ काम करता रहा और हमें क्या जैसे भीख मांगनी पड़ती है पैसे के लिए, हम भिखारी तो है नहीं, तो जितना नॉर्थ में लगाया उतना ईस्ट में देता। कहना कि आप अपने इलाके में गए नहीं, आपने काम ही नहीं करवाया इसलिए आप लोग आपको मतलब बुरा भला कह रहे हैं, और आपने अपना वो मेरे साथ चले इलाके में और उसने रोज कुछ नहीं करने की जरूरत, मेरी फेसबुक पेज खोल लो,
बेस्ट पार्ट ये है कि मैं जो दिन में काम करती हूँ मेरी फेसबुक पेज पे होता है और मेरे लोगों को पूछो और मेरे पास सर्वे की रिपोर्ट है जिसमें 70% लोग आज के समय में मेरे इलाके के कह रहे हैं कि हमें मैडम सिद्धू इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। वो रिपोर्ट आपको मैं पेश कर देती हूँ, वो एक एजेंसी की है, मेरी कराई नहीं हुई है। और ये ही बंदा महीने पहले कह रहा था कि जितना मैडम नवजोत सिद्धू अपने इलाके में काम करती है शी इज वन ऑफ द वेरी फ्यू लीडर्स जो सारा दिन सड़कों में मेरी तरह लोगों के बीच में रहती है और काम करती है। तो आप उनके घर पे गए थे, आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए उन्होंने बोल दिया था इस बात को। मेरी लड़ाई या मेरा प्यार किसी से नहीं है। मेरा मतलब था कि लोकल बॉडीज मिनिस्टर है, मुझे पैसे दे, मैं अपने इलाके का विकास कराऊं। और मैं नेगेटिविटी नहीं चाहती थी, पर बीजेपी में जो कमरे के अंदर बातें होती हैं, जिन लोगों को गालियां निकाली जाती हैं, जिन लोगों के अगेंस्ट इतने इतने पिलंदे रखे जाते हैं या सेंटर में दिखाए जाते हैं, आके वही लोग जफ्फी डाल के स्टेज पे खड़े होते हैं। मैडम, आपने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, विधानसभा की सदस्यता से कब दे दे? नहीं, मैं एमएलए हूँ, अब क्या होना है, अब तो बाई इलेक्शन भी नहीं होनी, तो एमएलए बैठ के काम कर रही हूँ, वो भी छोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा? आप इंडिपेंडेंट बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के साथ बैठे के विधानसभा में कहाँ पे बैठे? विधानसभा खत्म हो गई है, लास्ट सेशन खत्म हो गया, होनी नहीं है। कितनी अनिल जोशी ने अकाली दल के साथ मिलकर नवजोत सिंह सिद्धू के यहाँ पे सीट कटवाई, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, मैं बीच में तो बैठी नहीं थी, पर इतना जरूर पता है कि उन्हीं के लोगों के तरफ से पता चला कि वो एक कमल शर्मा और अनिल जोशी और मजीठिया और सुखबीर, ये इनकी एक टीम, और बीच में छीना जी, और ये सारे इकट्ठे होके ऊपर जाते थे कन्विंस करने के लिए अरुण जेटली जी को कि आप आओ, कि नवजोत सिद्धू हमें नहीं चाहिए। उसमें ये सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। विकास संधु आपका बहुत ज्यादा विरोध करते रहे हैं श्रोमणी अकाली दल के, जो जब यहाँ होते थे, अभी वो कांग्रेस में जा रहे हैं, इसके बारे में वो मुझे मिलते रहते थे, बाद में कहते थे मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं मजीठिया से या मुझे पार्टी से इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो भी करे इसको काम नहीं करने देना, इसके पुतले साड़ने हैं, इसको काम को रोकना है। क्या बीजेपी ने अकाली दल को अपने आगे गिरवी रख दिया? इसका एक जवाब दीजिए दो लाइन में। बिल्कुल 100% पंजाब की बीजेपी है, वो टोटली अकाली दल के आगे अपने आप को गिरवी रखा हुआ है। कोई जुबान नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, और ना अपना मॉरल कैरेक्टर रखना चाह रही है। नहीं, वो उनका जब तक मैं बात नहीं करती मुझे नहीं पता। मैंने आपको बोला है मुझे पता ही नहीं अभी उनका डिसीजन क्या है। देखो, वो जहाँ, अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए तो वो जहाँ भी होंगे मैं वहां जाऊंगी। अगर वो आए एक्टिव पॉलिटिक्स में, अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते तो मे बी मैं डिसाइड करूँ कि मैं पॉलिटिक्स में रहूं। मैम, यहाँ पर ये भी सवाल है, और ठीक उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लैंड स्कैम में क्लीन चिट पंजाब गवर्नमेंट द्वारा देना, क्या आपको लगता है कि दोनों का आपस में कोई तालमेल बैठता है? जिस चीज की मैं हिस्से नहीं हूँ, मैं उन चीजों के बारे में कमेंट नहीं करती जब तक मेरे को उस चीज की क्लैरिटी नहीं होती। ना मैं उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी, तभी मैंने कभी भी किसी का नाम किसी भी बिजनेस में नहीं लिया। जब तक मैं क्लियर नहीं होती कि हाँ ये बात क्लियर है, तब तक आई डोंट कमेंट। आप पटियाला जाने वाले हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला का महाराजा नंबर वन, वो अब पहले तो कहता था सिद्धू आए हम उसको गले लगाएंगे, अब कहता है कि सिद्धू मेरे से दूर रहे, सिद्धू मारा है। पर सवाल ये कहने का है कि यदि सिद्धू कांग्रेस में आता है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को खा देगा, इसका डर है उसमें? देखो, अब तो वो उसको पूछ सकते हो जो एक घंटे के बाद अपनी जुबान बदलता है, इसमें हम तो कुछ नहीं कह रहे। तो जो जुबान बदल रहा है एक एक घंटे के बाद, वो तो आप उसको क्वेश्चन करो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, उसको अपनी चीफ मिनिस्टरशिप की सीट का खतरा, व्हाट डू यू वांट टू से? नहीं, मुझे, मैं उसमें नहीं हूँ, तो मैं आप उसका जवाब तो दीजिए ना। देखो, मैं कैसे जवाब दूं, मैं कमेंट कर रही हूँ, आप मेरे कमेंट्स के बारे में पूछो। अमरिंदर सिंह आपके बारे में कमेंट करता है कि इनका कोई दीन मान नहीं है, इनको कांग्रेस में नहीं लेना। जब अमरिंदर सिंह अपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अरे वो महीना पहले तो कह रहा था, उसके उसके जवाब में यदि कांग्रेस हाईकमान डायरेक्ट आपको अप्रोच करती है तो व्हाट इज योर वर्जन? मैं कांग्रेस अप्रोच यदि हाईकमान अगर आपसे हाईकमान वांट टू रिप्लेस कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप उसकी जगह ले लेंगे?
नहीं मैं उसमें अभी मैं लेने की वो वाले उस क्वेश्चंस में जाती नहीं हूँ, वो हाइपो वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं कि वो अप्रोच करेगी। बीजेपी का आपने बोला कि जो वर्कर है वो निराश है, तो इस निराशा के पीछे आप बीजेपी के कौन कौन से लीडर्स को जिम्मेवार मानते हैं जिन्होंने पंजाब के वर्कर को नाराज किया? उनमें आप भी हैं, आपके बहुत सारे वर्कर्स हैं, आपने पहले भी बताया कि पंजाब में बहुत सारे बीजेपी से जो दिल से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग इस समय नाराज हैं क्योंकि कुछ लीडर्स ने अकालियों के साथ मिलकर जो है उनकी जुबान बंद करने की कोशिश की, ना तो उनको बोलने दिया जाता ना उनके काम किए जाते। उन लीडर्स के नाम आज बताइए वो कौन कौन से लीडर्स। इसमें सबसे पहले संगठन आता है, जो संगठन पहले कमल शर्मा ने चलाया, उसमें चारों मंत्री आते हैं क्योंकि चारों मंत्री उस पोजीशन पे थे कि वो कार्यकर्ता की जब प्रॉब्लम आ रही थी तो संगठन ही खड़ा होता है, और मंत्री इसलिए कि जब कार्यकर्ता को जरूरत होती है। तो कितनी बुरी बात है कि मेरे एरिया के ऐसे लोगों के लिए मैं जॉब्स के लिए गई जिन्होंने सारी उम्र बीजेपी में लगा दी, मतलब उनको एक नौकरी नहीं बीजेपी का मंत्री दिला पाया, इतना कि ह्यूमिलेट किया कि हमारे यहाँ से बीजेपी का कार्यकर्ता अगर जाता था कि कोई बदली हो जाए या बदली करवा दो तो वो भी ह्यूमिलेट किया गया। किसी मंत्री ने किसी कार्यकर्ता की नहीं सुनी, और मैक्सिमम जो गवर्नेंस का होता है वो हमारे संगठन के पास होता है, तो संगठन ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि कार्यकर्ता का जो दुख है दर्द है उसको संभाले, उल्टा कहते रहे कि अपनी अपने लेवल पे इसको हल कर लो। यही रीजन था कि 98% बीजेपी के जो हेड्स थे उन्होंने बताया कि हम अकाली दल के साथ नहीं चलना चाह रहे। इसके अलावा बताइए कि बीजेपी के कौन से मंत्री हैं, कौन से नेता है कमल शर्मा ऐसे हैं उन्होंने अकाली दल के साथ मिलकर करप्शन की? मैंने कह दिया सारे मंत्री इन्वॉल्व हैं, मंत्रियों के पास पावर होती है कार्यकर्ता को संभालने की, उसका काम करने की, पर अब ये तो नहीं, वो मुझे नहीं पता किसका काम है वो जिसका। ये तो सुनी सुनाई बातें, अब मेरे पास प्रूफ तो है नहीं उसके बैंक अकाउंट का। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन मेरे से ज्यादा है, मैं भी वही इन्फॉर्मेशन लेती हूँ जो लोग बताते हैं, जो आप मैं उसके अकाउंट्स तो चेक नहीं करती। आप कमल शर्मा को क्या कह रहे हैं, क्या बादल के नीचे रहकर काम किया? आप क्लिप देते हैं कमल शर्मा को? मैंने बताया नहीं, मैंने कहा ही इज द मेन पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस मेस।